Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित इस लेक्चर श्रृंखला में आज हम लोग बंगाल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे 19वीं सदी में पहले हमने महाराष्ट्र के संदर्भ में इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों की बात की विशेष रूप से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात की फिर हमने ड्रेन थ्योरी, ड्रेन के सिद्धांत की बात की और आज उसी चर्चा को बढ़ाते हुए हम बंगाल की ओर अपना रुख करेंगे बंगाल में भी विशेष रूप से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बंकिम बंकिमचंद चटर्जी के इतिहास लेखन संबंधित बातों का और उनकी अहमियत का इस बाबत हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात की तरफ स्पष्टीकरण करना जरूरी है कि जब हम इस इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं और विशेष रूप से आज के लेखन के आज के इस लेक्चर के संबंध में जहाँ हम लोग राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं और यह सिलसिला अगले कुछ लेक्चर्स में भी जारी रहेगा जब हम आगे रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करेंगे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो यहाँ इस लेक्चर के संबंध में इस बात को ध्यान रखना होगा कि हम इतिहास लेखन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं न कि उस समय घटित हुई घटनाओं के इतिहास के ऊपर जैसा कि 19वीं सदी या फिर 20वीं सदी हम जानते हैं हमारे सामने अठारह की एक महत्वपूर्ण घटना लेकर सामने आता है या फिर 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है और इस बाबत जो इतिहास लिखा गया है वह अभी कम मानी खेज नहीं है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करने की ज़रूरत है लेकिन हर लेक्चर का हर सीरीज़ का अपना एक केंद्रीय बिंदु होता है फोकस होता है और इस लेक्चर सीरीज़ का फोकस इतिहास लेखन की बदलती रुझानों की तरफ है इसलिए हम उन विषयों पर उन घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित न कर इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियाँ जैसे बदलती रही हैं इतिहास या अतीत को देखने के मायने जो बदलते रहे हैं उस तरफ और वह हमारे लिए इतिहास के विद्यार्थी के लिए शोधार्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण भूमिका किस तरह से नए नज़रियों को सामने लाता है नए प्रश्नों को सामने लाता है अतीत को देखने के ऊपर इस बारे में हमारी आ, हमारा सरोकार होगा तो यहाँ इस व्यापक फलक से जब हम आज के विषय की तरफ आते हैं जो बंगाल में 19वीं सदी में के उत्तरार्ध में बंकिमचंद चटर्जी के इतिहास संबंधित उनके योगदान की बात है तो एक जो बड़ा जो विचार है वह यह कि बंकिम के यहाँ जो इतिहास है वह एक सभ्यता जनित विमर्श का हिस्सा है इस बात को हमें कभी भूलना नहीं होगा वहाँ यह संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवयव है यह महज जिस तरह से इतिहास को हम आज एक डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं महज वही बात नहीं है तो ये जो सभ्यता जनित जो विमर्श है उसके क्या आयाम हैं बंकिम के समग्र में उसकी तरफ हम अपना ध्यान अब आगे इस लेक्चर में केंद्रित कर रहे हैं लेकिन बंकिम के ऊपर अपना अपने आप को केंद्रित करने से पहले एक और बात हमारे जहन में होना चाहिए कि बंकिम को हम कहाँ स्थित करेंगे वह क्या पृष्ठभूमि है वह क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है जहाँ हम बंकिम के योगदान को लोकेट करें तो एक तरफ तो हमें इसके लिए 19वीं सदी के शुरुआत से ही जिस तरह से बंगाली गद्य का विकास हो रहा है वो वहाँ जाना होगा और दूसरी तरफ 19वीं सदी के अंतिम दशक में बंकिम के बाद जिस तरह से इतिहास की अकादमीय चर्चा जैसे अक्षय कुमार मित्र इतिहास के जो अकादमीय रूप को हमारे सामने लेकर आते हैं जिस बात बारे में हम और भी आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे जब हम रविंद्रनाथ ठाकुर के इतिहास दृष्टि की बात करेंगे तो दूसरी तरफ वहाँ हमें लेकर जाता है तो इस बीच में 19, उन्नीसवीं 19 सदी के शुरुआती दशक से जिस तरह से बंगाली गद्य का विकास हो रहा है और बंकिम के बाद जिस तरह से इतिहास दृष्टि बंगाल और अन्य जगहों पर उनके प्रभाव से या और भी प्रभावों के कारण एक एक खास रूप में हमारे सामने आ रही है तो ये दो बिंदु हैं जिनके बीच हमें बंकिम को कहीं न कहीं रखना होगा लोकेट करना होगा तो 19वीं सदी का के शुरुआत में ही हम 1801 में राम राम बसु द्वारा रचित राजा प्रतापोदित्य चरित हमारे सामने आता है आप फोर्ट विलियम्स कॉलेज में कार्यरत थे अरबी और फारसी और संस्कृत के ज्ञाता थे और एक जो ख़ास बात है इस किताब में वह यह कि लेखक दावा करते हैं कि यह किताब प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर रचित है तो जो जिस आधुनिक इतिहास दृष्टि की चर्चा हम लोग पिछले चार पांच लेक्चर में करते आए हैं उसका यहाँ बंगाल के संदर्भ में कहें तो एक ठोस प्रमाण आपको सामने आता है जहाँ लेखक खुद यह दावा करता है कि यह जो रचना है यह जो आ, प्रताप राजा प्रताप का चरित्र है वह प्रामाणिक रचना है और प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर लिखी गई रचना है इसी के साथ 1808 में मृत्युंजय विद्यालंकार की किताब आती है राजा बली राजाओं का इतिहास और आगे बढ़ते हैं तो 1840 में जे.सी. मार्समैन के हिस्ट्री ऑफ बंगाल का बंगाली में अनुवाद गोविंद चंद्र सेन हमारे सामने लेकर आते हैं और फिर मार्क्समैन की ही किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का अनुवाद गोपाल दास मैत्रा 1840 में करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर 1848 में बंगाले इतिहास उनका प्रकाशित होता है और पार्वती शंकर राय चौधरी ने 1877 में आदिशुरा ओ बल्लाल नामक किताब लिखी तो जब बंकिम 1870-1880 के दशक में इतिहास संबंधी सरोकार के साथ अपने ऐतिहासिक उपन्यासों की तरफ आते हैं और बहुत चर्चित होते हैं तो उसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमारे सामने रहती है जो 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों की तरफ जाती है जहाँ बंगाली भाषा में इतिहास को लेकर इतिहास लेखन को लेकर चिंताएं दिखती हैं इसी के साथ 1876 में रजनीकांत गुप्ता सिपाही युद्धेर इतिहास जो अठारह के विद्रोह के ऊपर केंद्रित था वह अर्थात कह सकते हैं कि समसाम समसामयिक घटना के ऊपर वह इतिहास लिख रहे हैं जो महज मध्यकालीन या प्राचीन इतिहास ही नहीं है अपने लेखक अपने समय की घटनाओं का आकलन कर रहा है ये एक फलक है इसी के साथ हमें यह समझना होगा कि बंकिम के सरोकार क्या सब रहे वह क्या वे क्या फैक्टर्स थे कारक थे जिन्होंने बंकिम को बंगाली में लिखने की तरफ प्रेरित किया और बंकिम के लगातार लेखनों में वह उनके केंद्र में रहा तो एक बड़ा सरोकार था कि बंगालियों के मन में 19वीं सदी में बंगाली भाषा के प्रति उपेक्षा का भाव और यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है जैसा हम जानते हैं कि मैकॉले की शिक्षा नीति के परिणाम स्वरूप एक ऐसा अभिजाती तबका का उदय हुआ जो अपने को अंग्रेजी भाषी और अंग्रेजियत से नज़दीक पाता था अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के नि, के नीति के प्रचार प्रसार के कारण वह जो तबका था अभिजन तबका वह बंगाली भाषा को बंगाली साहित्य को हे दृष्टि से देखता था और यह जो बंगाली भाषी बंगाली भाषा के प्रति अवमानना की जो बात थी यह बंकिम को बहुत कचोटती थी यह अवमानना खासकर बंगाली गद्य की उपेक्षा के कारण था अब यहाँ बंकिम लिखते भी हैं और हम जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें कि रमेश चंद दत्त जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और ड्रेन सिद्धांत के विमर्श में हमने पिछले लेक्चर में उनकी भूमिका पर उनके किताब पर संक्षेप में बात भी की थी वे भी लिखते हैं कि और खुले मन से स्वीकार करते हैं कि बंकिम से पहले वे महज अंग्रेज़ी में ही लिखते पढ़ते थे बंगाली पढ़ना लिखना उनको नहीं आता था और बंकिम के ही मोटिवेशन से इंकरेजमेंट से उन्होंने बंगाली पढ़ना लिखना शुरू किया तो ये जो अभिजन और आमजन के बीच एक भाषाई खाई थी उसकी तरफ मैं यहां आपका ध्यान आकर्षित करने का कोशिश कर रहा हूं और यह खाई इतनी गहरी थी कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे भाषाई अछूतवाद कहा सॉरी इसे अनटचेबिलिटी बाय क्लास कहा अर्थात वर्गवादी अछूतवाद एक तरह से कहें तो यह भाषाई अछूतवाद भी हुआ अभिजनों का बंगाली भाषा के प्रति जो उनका अपेक्षा उपेक्षापूर्ण रवैया था उसको यदि हम देखें तो, तो इस पृष्ठभूमि में हम बंकिम चंद चटर्जी और उनकी इतिहास दृष्टि की तरफ आते हैं अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान दिलाते चलूँ कि जब हम बंगाली गद्य की बात करते हैं तो समाचार पत्रों का इतिहास समृद्ध समाचार इतिहास एक समृद्ध इतिहास समाचार पत्रों का हमारे सामने आता है बंगाली गद्य का यह एक बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण हो सकता है जैसे समाचार दर्पण श्री रामपुर से 1818 में प्रकाशित हो रहा है और यह सब बंगाली भाषा में है। इसी समाचार दर्पण और ईसाई मिशनरियों के आलोचना के तौर पर कहें या उनको उनके विरोध करते हुए कहें तो राजा राम मोहन राय अठारह में संवाद कॉमदी का प्रकाशन शुरू करते हैं 1831 में ईश्वरचंद विद्यासागर संवाद प्रभाकर की का प्रकाशन शुरू करते हैं और ये महज मैं अभी शुरुआत में नाम ले रहा हूँ जिससे आगे आने वाले चर्चाओं में हमारे लिए सहूलियत हो पॉइंट्स को समझने में तो जब बंकिम बंगाली भाषा साहित्य और अंग्रेजी में लिखे साहित्य की खाई को पाटना चाह रहे थे जब वह अभिजन और आमजन के बीच की खाई को पाटना चाह रहे थे जब वह बंगाली भाषा में नए किस्म के ज्ञान विज्ञान को लेकर सामने आना चाह रहे थे तो उनके पास पत्र पत्रिकाओं का यह इतिहास भी था और इसीलिए इस मुहिम के को बढ़ाने के लिए उन्होंने जर्नल निकालना शुरू किया अठारह में बंग दर्शन का प्रकाशन शुरू किया और यह एक महत्वपूर्ण घटना जो बौद्धिक इतिहास में बंगाल के बौद्धिक इतिहास में हम मान सकते हैं बहुत दिनों तक इसका प्रकाशन नहीं चला लेकिन यदि बंकिम के अपने ही शब्दों का सहारा लिया जाए तो उन्होंने कहा कि इस का प्रकाशन करने का जो उद्देश्य था उसमें वह बहुत सफल रहे बंगाली बौद्धिक समाज बंगाली भाषा की जो सामर्थ्य है नए ज्ञान विज्ञान को प्रेषित करने में उससे न मात्र परिचित हुई वरन बेहद मोटिवेट भी हुई और इसके बाद हम आगे आने वाले दशकों में बंगाली भाषा में न मात, न मात्र इतिहास बल्कि ज्ञान विज्ञान दर्शन के अन्य विषयों पर भी एक खुला और समृद्ध बहस की शुरुआत पाते हैं यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि पंकिम स्वयं भी अपने समय के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और दर्शन से बखूबी उस दर्शन उस थाती के उस ज्ञान में ज्ञान में के खूब परिचित थे उसमें माहिर थे और आगे हम देखेंगे कि किस तरह वे जेम्स मिल हार्वर्ड स्पेंसर चार्ल्स डार्विन आदि के सिद्धांतों का जमकर उपयोग करते हैं लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है हमारे लिए जानना कि बंकिम दूसरी तरफ न्याय सांख्य और वेदांत की तरफ भी जाते हैं तो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन दोनों का एक अद्भुत संगम हमें बंकिम के वांग्मय में मिलता है इन अलग अलग बिंदुओं पर आने से पहले यह भी रेखांकित करना ज़रूरी है कि बंकिम का जो इतिहास दृष्टि था उसमें पॉजिटिविज्म और यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद इस उपयोगितावाद की चर्चा भी हमने पिछले लेक्चर्स में विस्तार से की है तो इन दो रुझानों से और पॉजिटिविज्म पोस्ट इन्लाइटनमेंट यूरोप की एक महत्वपूर्ण देन है जिसने इतिहास को देखने इतिहास को लिखने की पद्धतियों में केंद्रीय भूमिका अगले 200 सालों तक निभाई जो विद्यार्थी अधिक जानना चाहते हैं वह इस बारे में रांके के की भूमिका के ऊपर विस्तार से पढ़ सकते हैं <laughs> लेकिन जैसा कि इस लेक्चर की सीमा है हम उन उन रास्तों पर अधिक आगे नहीं चलने को बाध्य हैं हमें वापस लौटना होगा बंकिम की थाती की तरफ और यहाँ बंकिम जो एक मूल चिंता हमारे सामने रखते हैं जिसने आगे कि इतिहास दृष्टि या राष्ट्रवादी दृष्टि दोनों ही को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया वह है उनका मूल सवाल कि भारत लंबे समय से गुलाम क्यों है यह एक बहुत तीखा सवाल इस तीखे सवाल के साथ आते हैं और इसके उत्तर में वे कहते हैं कि भारतीयों में मूलतः शारीरिक बल और साहस का अभाव है इसके दो कारण वो सामने रखते हैं एक कि भारत में लिबर्टी या स्वतंत्रता की भावना का इसका स्वाभाविक रूप से अभाव इसकी स्वाभाविक रूप से अनुपस्थिति और दूसरी बात दूसरा कारण वो कहते हैं कि भारतीयों में एकता या एकजुटता या सामूहिकता या सौहार्द या सॉलिडारिटी इसका अभाव तो ये दो बड़े सवाल वो हमारे सामने छोड़ जाते हैं उनके निबंधों का संग्रह विविध प्रसंग में भारतवर्ष पराजित के ना यहाँ यदि उनके शब्दों का अनुवाद कर मैं आपके सामने रखूँ तो वे कहते हैं तीन हजार सालों से आर्य आर्य के साथ आर्य अनार्य के साथ अनाड़ी अनाड़ियों के साथ मगध कन्नौज के साथ कन्नौज दिल्ली के साथ दिल्ली लाहौर के साथ हिंदू पाठानों के साथ पाठान मुगलों के साथ मुगल अंग्रेजों के साथ इनमें से हर एक ने एक दूसरे के साथ युद्ध किया और देश में सतत ही युद्ध की अग्नि प्रज्वलित रही लेकिन ये सभी युद्ध राजाओं के बीच रही हिंदू समाज का बड़ा हिस्सा कभी एक दूसरे से नहीं लड़ा कभी युद्ध में यह हिंदू समाज का बड़ा हिस्सा कभी पराजित हुआ ही नहीं क्योंकि यह जो हिस्सा था समाज का बड़ा हिस्सा वह कभी युद्ध भूमि में गया ही नहीं तो जैसा कि इस कोटेशन में भी आप देखेंगे कि वह एक भारतीयों के बीच एकता के अभाव की बात करते हैं लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि हिंदू कभी पराजित नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी पौरुष का अपने बल का को टेस्ट करने का कभी मौका नहीं मिला वह कभी अपने लिए नहीं लड़ा जो युद्ध होते रहे वह हमेशा राजाओं के बीच होते रहे और समाज का बड़ा तबका उस युद्ध से उस आपसी रंजिश से अछूता ही रहा तो दोनों बात करते हैं और इस बात के दोनों बिंदुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए अब जो सवाल वो उठाते हैं और जिसके प्रमाण के रूप में मैंने यह कोटेशन आपके सामने रखा वह सवाल कि भारतीय लंबे समय से ग़ुलाम क्यों रहे और जब वह लंबे समय की बात कर रहे हैं तो वह महज अंग्रेज़ी दास्ता की बात नहीं कर रहे हैं वह 700 साल का जिक्र करते हैं अर्थात मुगल और अंग्रेजी दास्ता दोनों को जोड़ते हैं साथ ही यहाँ यह भी जोड़ हमें ध्यान रखना होगा कि बंकिम जब लिख रहे हैं तो वह 19वीं सदी का पृष्ठभूमि है आज की पृष्ठभूमि नहीं है तो आज से हम उस उनके बातों को समान रूप से नहीं देखें हम उस समय की 19वीं सदी के ही पृष्ठभूमि में उनकी बातों को रख कर देखें अन्यथा बहुत अधिक जजमेंटल एरर हो सकते हैं हमारे यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बंकिम के लेखन में बंगाली हिंदू भारतीय ये तीनों समान अर्थों में एक दूसरे के लिए प्रयोग होते रहे तो इसी तरह बंगाल की और उसी सेंटेंस में हमें बंगाल की भूमि और हिंदुस्तान दोनों एक दूसरे से कन्फ्लेट होता है तो हमें उनके मूल चिंताओं की तरफ देखना होगा और इन शब्दों का इन पदों का जो उस समय का जो पृष्ठभूमि है उसमें हमें रखकर देखना होगा लेकिन जो अहम है वह है जो बात मैंने शुरू में भी कहा कि बंकिम की जो चिंता है कि यहाँ जो इतिहास का विमर्श है वह जनित विमर्श है और इसे वे सांस्कृतिक रूप से सांस्कृतिक धरातल पर देखते हैं अब यहां जब वह भारतीयों में या बंगालियों में शारीरिक बल की कमी की बात करते हैं और साहस की बात करते हैं तो गौरतलब है कि वह अपने समय में जो कह सकते हैं कि हिंदूवाद जो बंगाल में आकार ले रहा था राजा राम मोहन राय के समय से ही 19वीं सदी के पूर्वार्ध से ही या फिर वह अपने समय के रामकृष्ण परमहंस की के दर्शनों के साथ संवाद कर रहे हैं इसी तरह कोई भी मनीषी शून्य में हमारे सामने अपनी थाती नहीं लेकर आता वह अपने समकालीन महापुरुषों के साथ संवाद करता है और वह इतिहास में जाता है तो राजा राममोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस या बंगाल में जिस तरह से वेदांत का बोलबाला था वे उसकी आलोचना करते हैं और यहाँ वे बंकिम हमारे सामने एक नई संकल्पना लेकर आते हैं कि भारतीयों में जो पौरस या शारीरिक बल की कमी है उसका एक बड़ा कारण उनमें वैराग्यवाद है तो और वैराग्यवाद की भावना को तलाशते हुए वे वेदांत की तरफ जाते हैं <laughs> अर्थात भारतीय दर्शन में वे कहते हैं कि ज्ञान मुक्ति का साधन है मोक्ष का साधन है जो वेदांत दर्शन हमें सिखाता है और इससे वैराग्य आता है आप सांसारिक कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं वे इस बात की आलोचना करते हैं और यहाँ वे सांसारिक प्रक्रियाओं का अनुभवों को हमारे केंद्र में लाते हैं समाज की चिंताओं के बीच लाते हैं और यहाँ वे पाश्चात्य दर्शन से सहारा लेते हैं और कहते हैं कि जहाँ भारत में भारतीय दर्शन में ज्ञान मुक्ति का साधन है ज्ञान आपको मोक्ष दिलाता है सांसारिक कर्मों से ऊपर उठाता है वहीं दूसरी ओर पश्चिम में ज्ञान शक्ति का और सत्ता का साधन है ज्ञान से आपको बल आता है तो आप देखें कि एक तरफ वो वेदांत के वैराग्य की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ पाश्चात्य दर्शन से ज्ञान किस तरह से शक्ति का स्रोत है वह नई दृष्टि हमारे सामने लेकर आते हैं यहां गौरतलब यह भी है कि जब बंकिम भारतीय दर्शन की तरफ रुख करते हैं तो सांख्य और न्याय उनके दो पसंदीदा विषय हैं जिस पर वो बार बार लौट कर आते हैं न्याय में जिस तरह से तर्क करने की जो आप अंग्रेजी में, में मेटिकुलसनेस कह सकते हैं जो गहराई है उसकी दृष्टि वो लेते हैं <laughs> दूसरी तरफ सांख्य जिस तरह से कारण कार्य परिणाम की तरफ जो काउैलिटी जिसको कहते हैं वो जिस तरह से सांख्य में सेंट्रल है वहाँ से और सांख्य जिस तरह से एक भौतिकवादी दर्शन रहा है इन चीज़ों को इन तत्वों को सांख्य से लेकर आते हैं लेकिन साथ ही वह अपने आलोचनात्मक नज़रिए को कहीं भी भटकने नहीं देते हैं तो वे ये भी कहते हैं कि जो प्राचीन न्यायिक हुए या न्याय दर्शन महज तर्कों तर्क वितर्क करने में जो व्यवहार और सांसारिक दुनिया सांसारिक गतिविधियों की उपेक्षा करता है और वहाँ वे न्याय के खिलाफ भी हो जाते हैं तो इन अलग अलग जो स्ट्रैंड्स हैं जो रेखाएं हैं बंकिम के दर्शन में हमें उन सभी की तरफ अपना नजर अपने को सतर्क रखना होगा जब हम बंकिम के इतिहास दृष्टि की बात कर रहे हैं और जब बंकिम के राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो वापस यदि भारत इतने लंबे समय से गुलाम क्यों है और भारतीयों में जो शारीरिक बल का अभाव क्यों है साहस का अभाव रहा है एकता का अभाव रहा है उन मुद्दों पर वापस आए तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि बंकिम का जो कि चिंताएं थी वो अपने समय की चिंता थी वह अतीत में महज अतीत का अध्ययन करने नहीं जा रहे हैं वह भारतीय समाज की जो मूलभूत कमजोरियां हैं उनको डाइसेक्ट करते हुए उनकी चीरफाड़ के लिए करते हुए वे अतीत में जाते हैं तो ये एक बेहद समकालीन और सामाजिक उनका सरोकार रहा है जो जनित विमर्श रहा है जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया न कि महज ज्ञान की प्राप्ति के लिए अतीत की तरफ जाना तो हिस्ट्री उनके लिए महज मेथड नहीं है एक ज्ञान पद्धति नहीं है यह हमें अपने जहन में रखना होगा तो यह जो सामाजिक और समकालिक स्तर पर बंकिम बात कर रहे हैं तो वहां वे कहते हैं कि भारतीयों में आत्मबल का अभाव एक सामाजिक परिघटना है और इसलिए वे चार तत्वों पर बल देते हैं उद्यमशीलता एकता साहस और दृढ़ता ये चार मंत्र आप कह सकते हैं वे देते हैं दूसरी तरफ वे चार संकल्पनाएं देते हैं पहला शक्ति ही राज्य की सत्ता का मूल आधार होता है जिस तरह से उन्होंने हमने अभी जिक्र किया कि ज्ञान को महज मोक्ष का साधन न मानकर ज्ञान और शक्ति के बीच ज्ञान और सत्ता के बीच जो समीकरण है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया और यहां हुए चार संकल्पना जब दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि शक्ति ही राज्य के सत्ता का मूल आधार होता है दूसरा किसी देश की मुक्ति लिबर्टी या अधीनता अंततः शक्ति का प्रश्न है तो देखिए एक 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 तरफ तो वो कल्चरल डिस्कोर्स कर रहे हैं सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स कर रहे हैं लेकिन हर जगह उनके चिंता में शक्ति अर्थात पावर महत्वपूर्ण है केंद्र में है ज्ञान और पावर के बीच जो समीकरण है उसकी तरफ वो हम लेते लेकर आते हैं फिर पावर और स्टेट के बीच का जो संबंध है उसकी बात करते हैं और इन्हीं ज्ञान शक्ति और राज्य सत्ता इसके तीन के बीच ही वह लिबर्टी या लैक ऑफ लिबर्टी मुक्ति स्वाधीनता या मुक्ति की का अभाव भारत की दास्ता इसको इस इस बिंदु को व इस समीकरण में हमारे सामने लेकर आते हैं तीसरी अवधारणा कि शक्ति भौतिक अवयवों और परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती अर्थात यहां एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बंकिम एक तरफ तो कह रहे हैं कि भारतीय या बंगालियों के बीच और उसका अभाव था वो साहस का अभाव है लेकिन इस तीसरे संकल्पना में हम पाते हैं कि वह भाग्यवादी नहीं थे वह निराशावादी नहीं थे वे कहते हैं कि कोई देश आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से पिछड़ा या डेवलप हो सकता है लेकिन उसका अधीनता से भारत की अधीनता से भारत में लिबर्टी की भावना की कमी से उसका सीधा संबंध नहीं है और यही बिंदु है जहाँ की उन हम वापस आते हैं और पाते हैं कि उनके यहाँ राष्ट्रवाद एक सभ्यता जनित विमर्श है या इतिहास सांस्कृतिक विमर्श है क्योंकि वो सीधे तौर पर कहते हैं कि कोई देश पावरफुल है या नहीं है वह मेटेरियल कंडीशन से तय नहीं होता है अर्थात यदि भारत अभी गुलाम है या लंबे समय से गुलाम रहा है तो संभावनाएं पूरी खुली हुई हैं कि भारत अपने को आजाद कर सके हालांकि जो जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि भारत आजाद कर सके यह वंकिम के शब्दों में नहीं है लेकिन उत्स आप कह सकते हैं उनके कहने का भाव कह सकते हैं तो वो वहां मौजूद है इन दो के फर्क को की तरफ भी हम आगे आएंगे बहरहाल वो कहते हैं कि शक्ति भौतिक अवयवों और परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती है अर्थात इसे बदला जा सकता है और जो चौथा बिंदु है कि शक्ति को उचित राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों के संवर्धन से प्राप्त किया जा सकता है अर्थात जो अभी वर्तमान में नहीं है जो इतने समय से भारतीय कमजोर रहे हैं उसे बदला जा सकता है कैसे बदला जा सकता है तो उचित राष्ट्रीय मूल्यों को इनकलकेट करके पर्सनैलिटी को चेंज किया जा सकता है और पर्सनैलिटी को चेंज करके कर कर हम देश और समाज को बदल सकते हैं तो इस तरह से हम देखें तो एक बुनियादी प्रश्न के साथ बुनियादी चिंता के साथ बंकिम अतीत की तरफ जाते हैं लेकिन बंकिम के यहाँ वर्तमान अतीत में गिर रखा हुआ नहीं है वह वर्तमान को बदलने की और भविष्य को उन्नत करने की बात भी सामने लेकर आते हैं इसीलिए आप में से बहुतों को याद हो कि आनंद मठ में जो बंग भूमि है जन्मभूमि है या भारत की भूमि है वह अतीत में बेहद दयनीय अवस्था में है लेकिन उसके संतान उसे उस दास्ता से मुक्त करते हैं और उसके बाद उस, उस देवी का रूप परिवर्तित होता है खासकर आनंद मठ के अंतिम दृश्य में और यह जो एक भविष्योन्मुखी दृष्टि है उसकी तरफ मैं यहाँ ध्यान आपका आकर्षित कर रहा हूँ तो यदि मोटे तौर पर हम बात करें जिस जिस तरह से हमने अभी जिन मुद्दों को आपके सामने रखा तो बंकिम में बंकिम चंद चटर्जी यूरोपीय प्रबुद्धवाद से प्रभावित थे जिस तरह से वे पॉजिटिविज्म या उपयोगितावाद से अंतर्दृष्टि लेते हैं और इसीलिए जब वह अतीत की तरफ जाते हैं तो जो पॉजिटिविस्ट नज़रिया है साक्ष्यों को देखने का परखने का उसे कभी वह उससे कभी इतर नहीं होते भटकते नहीं हैं दूसरी बिंदु कि ऐतिहासिकता के द्वारा वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति संभव है जो पॉजिटिविज्म का मूल मंत्र है कि आप वस्तुनिष्ठ सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं ऐतिहासिक सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं किसी घटना के ऐतिहासिकता के द्वारा <laughs> और यहाँ यह इसलिए जरूरी है क्योंकि वे कहते हैं कि व्यक्ति की जागरूकता के लिए इतिहास का ज्ञान बेहद जरूरी है जैसा कि मैंने समय के काल के संबंध में उनकी अवधारणा या उससे पहले जिस तरह से शक्ति की बात वे कर रहे हैं और किस तरह से वह अतीत में जाते हैं प्रश्नों को सुलझाने के लिए अब यहाँ देखिए कि इस दो बिंदुओं को यदि हम और थोड़ा गहराई से देखें पॉजिटिविस्ट जो उनका नजरिया था या ऐतिहासिकता का जो आग्रह था तो अठारह में कृष्णचरित उन्होंने लिखा और कृष्ण को वे ईश्वर मानते हैं लेकिन कृष्ण के मानव होने का वह प्रमाण इतिहास में ढूंढते हैं और वह सिद्ध करते हैं और इस सिद्ध करने के पीछे उनका उनकी उनका जो जो रवैया है या उद्देश्य है उसकी तरफ हम देखें तो जैसे वे कहते हैं कि मान लीजिए चौथी सदी ईस्वी पूर्व में महाभारत के युद्ध का वर्णन यदि उस समय भारत आए यात्री मेगास्थनीज़ के वर्णन में नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि महाभारत युद्ध हुआ ही नहीं था अर्थात उनके तर्क के आधार पर कहें तो मेगास्थनीज़ ने महाभारत युद्ध का जिक्र नहीं किया इसका अर्थ महाभारत की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज जर्मनी जाता है और ये बंकिम कह रहे हैं अपने समय की बात और वहाँ वे खासकर एक बुद्धिजीवी अल्ब्रथ वेबर उनके साथ संवाद कर रहे हैं उन पर आलोचना करते हुए तंज करते हुए वे कहते हैं कि कोई आज उन्नीसवीं सदी में जर्मनी जाए और उसे अलब्रेक बे, बेबर के बारे में पता न चले इसका मतलब यह नहीं कि इस नाम का व्यक्ति हुआ ही नहीं तो ये एक जटिल विचार पद्धति है जिसकी तरफ हमें उसके प्रामाणिकता से अधिक इसकी अहमियत इस बात में है कि बंकिम के लिए कृष्ण महज धर्मशास्त्रीय व्यक्ति न होकर मनुष्य थे और हम आगे इस बिंदु को यदि जोड़ें तो उनके सामाजिकता उनके एकता पर जो जिस तरह से उन्होंने बल दिया उसकी तरफ तो कृष्ण बंकिम के लिए भारत में सभी जातियों को एकजुट करने वाले मनुष्य थे यहाँ इसीलिए मैंने बार बार कहा कि सांसारिक जीवन भौतिक जगत इसकी अहमियत को बंकिम केंद्र में लाते हैं और इसको सुधारने के लिए वह किसी ईश्वर पर निर्भर नहीं है इसको सुधारने के लिए उनमें दृढ़ आशावाद है कि यह मानव का ही कार्य है यह मनुष्य के द्वारा ही संभव हुआ और इसलिए कृष्ण बंकिम के यहाँ एक मनुष्य हैं जो एक बृहत्तर उद्देश्य के लिए अवतरित हुए और इसलिए कृष्ण का मानव रूप राष्ट्रवादी हित के लिए महत्वपूर्ण उनके यहाँ हमारे सामने आता है लेकिन साथ ही जहाँ अतीत में या भारतीय समाज की बुराइयां हैं उस तरफ भी बंकिम इशारा करने से कभी चूकते नहीं हैं और इसलिए बंकिम बताते हैं कि अंग्रेज़ी राज के से भारत में जो निम्न तबका है उसके लिए बेहतरी हुआ निम्न जातियों को न्याय और कानून व्यवस्था में कम से कम सैद्धांतिक रूप से बराबरी का दर्जा मिला <coughs> बंकिम के वांग्मय को फिर से संक्षेप में यदि जोड़ें तो बंकिम कहीं भी यह नहीं कहते कि वे इतिहास लिख रहे हैं वे उपन्यास रच रहे थे लेकिन उनकी इतिहास दृष्टि हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए ही नहीं इसने इस इतिहास दृष्टि ने आगे आने वाले दशकों में सदियों तक भारतीय इतिहास दृष्टि को समाज को देखने का एक नज़रिया दिया राष्ट्रवादी चिंतन को प्रभावित किया इसके पाश्चात्य रूप हैं जहां वे अगस्त कामते हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन के साथ संवाद करते हैं अंतर्दृष्टि लेते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ समाज की बात है व्यक्ति से बड़ा समाज है और इस बात को बंकिम केंद्र में लाते हैं कि राष्ट्र हमेशा व्यक्ति से व्यापक अवधारणा है इसीलिए राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्र हित में व्यक्ति अपना जीवन बलिदान देते हैं जिस तरह से कृष्ण ने कृष्ण ईश्वर और मनुष्य एक साथ हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से दुर्जनों का दमन किया और भारतीयों को एकजुट किया तो ये जो एक बृहत्तर हित है इसने राष्ट्रवादी चेतना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया जैसा मैंने कहा कि वे कभी स्वयं को इतिहासकार नहीं कहते हैं दुर्गेश नंदिनी में उन्होंने उपन्यास को इतिवृत मूलक कहा है आनंद मठ में भी वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य इतिहास लिखना नहीं था तथापि इतिहास को उन्होंने प्रमुखता दी इतिहास एकता और राष्ट्र के गौरव के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना यूरोप की प्रशंसा करने से कभी नहीं चूके जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे सकारात्मक अवयव थे यूरोपीय चिंतन में उसको आत्मसात किया खासकर राष्ट्रवाद और स्वाधीनता या लिबर्टी की बात जब वे करते हैं हिंदू और भारतीयों के लिए समान अर्थ में वहाँ प्रयोग हम पाते हैं लेकिन यही भाव मुसलमानों के साथ हम बंकिम वांगमय में नहीं देखते हैं अंग्रेजी शासन के प्रति उनका विश्वास था वे मानते थे कि अंग्रेजी मित्र और शासक दोनों ही हैं तो इस बात को हम और आगे अन्य चिंतकों में भी के संदर्भ में भी विश्लेषित करेंगे भौतिक जगत के प्रति भारतीयों की उपेक्षा की उन्होंने आलोचना की न्याय सांख्य और वेदांत की तरफ गए दूसरी तरफ मिल और डार्विन की तरफ गए और अंत में मैं फिर से इस बात की तरफ आऊँगा कि वे सांसारिक जगत और कॉमन सेंस को अधिक तरजीह देते थे मनुष्य की परिवर्तनकारी क्षमता पर उन्होंने खासकर बल दिया और यहाँ इतिहास और अतीत का ज्ञान वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए देखिए अब इस लेक्चर में हमने बंकिमचंद चटर्जी के इतिहास दृष्टि की बात की और अंत में यदि सारांश के रूप में हम इन सभी तारों को जोड़ें और फिर एक मूल्यांकन करने बैठें बंकिमचंद के खासकर इतिहास दृष्टि का आज के संदर्भ में तो तीन चार बातें मोटे तौर पे हमारे सामने आती हैं पहली बात तो यह कि 19वीं सदी का जो दौर था वहाँ वैचारिकी की को लेकर चाहे वो वैचारिकी की इतिहास से जुड़ी हुई हो तो उसमें एक इनहेरेंट जो संरचनात्मक विरोधाभास है उसकी तरफ हम अपना आँख नहीं मोड़ सकते हैं उसको हमें हमारे आ, हमें अपने जेहन में रखना होगा और यही विरोधाभास है कि एक तरफ तो वे बंकिमचंद लिबर्टी की आ, बात करते हैं और पाश्चात्य यूरोपीय विद्वानों की जो इतिहास लेखन है भारत के संदर्भ में उसकी आलोचना करते हैं हार्बर्ट स्पेंसर चार्ल्स डार्विन जेम्स मिल वहाँ से वो अंतर्दृष्टि लेते हैं लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि अंग्रेज़ी हुकूमत पर भी ब्रिटिश राज्य पर भी भरोसा जताते हैं और इसीलिए मैंने जैसा जिक्र किया कुछ देर पहले कि आनंद मठ में हमें बताया जा रहा है कि अब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई और जो संघर्ष के दिन थे वे ख़त्म हो गए समाप्त हो गए तो हम अतीत की बात करते रहे हैं लेकिन वर्तमान के साथ ये जो विरोधाभास है उसको हम कैसे देखें यह एक सवाल है जिस पर विस्तार से यहाँ चर्चा संभव नहीं है इतिहासकारों ने इस संबंध में लिखा है और जो जिज्ञासु छात्र हैं वे सुधीर चंद्र की, की किताब खासकर जरूर पढ़ें ऑपरेसिव प्रेजेंट लेकिन हम इन विरोधाभासों तक ही अपने को सीमित नहीं रखें अब देखिए एक जो बंकिम के राष्ट्रवादी जो चिंतन हैं उस पर यह आरोप लगता रहा है कि वे समावेशी नहीं हैं सामुदायिक जो उनकी उनका नज़रिया है उसकी सीमाएं हैं कुछ समुदायों के प्रति हिकारत का भाव वहाँ हमें देखने को मिलता है और इस सीमा को भी हम जैसे विरोधाभासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते इस सीमा को भी हमें अपने जेहन में रखना होगा तीसरी बात यह कि हम इन दोनों ही मुद्दों से हमें परे जाना होगा एक बौद्धिक चिंतक जो स्वयं को इतिहासकार नहीं बता रहा है जो ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहा है और जिसके चिंता में जिसके सरोकारों में भारत का अतीत है उसकी रचनाएं बेहद लोकप्रिय हो रही हैं और आगे आने वाले राष्ट्रवादी दौर के लिए एक नए कलेबर के साथ जो भावनाओं का सैलाब लेकर आती हैं वंदे मातरम की बात खास तौर सर आनंद मठ से यह नारा निकलता है और राष्ट्रीय विस्तार पाता है आज भी राष्ट्रीयता के साथ यह उदघोष भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की थाती के रूप में हमारे सामने मौजूद है तो आनंद मठ या बंकिम के राष्ट्रवादी चिंतन का एक परवर्ती अध्याय भी है जहाँ उनके लेखनी वहाँ से निकले गीत वहाँ से निकला जय घोष स्वदेशी आंदोलन हो या बाद के सभी घटनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को उत्प्रेरित करने का काम कर रहा है तो यह पाठ के नए किस्म के विस्तार की बात है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भी इतिहासकारों का ध्यान गया है तो जब हम एक चिंतक की बात करें तो जितना महत्व उनके लेखनी को डाइसेक्ट करना एनालाइज करना है उतना ही उसके प्रभाव और उससे बनते बिगड़ते राजनीतिक राष्ट्रवादी अक्स की बात भी करना है बंग भूमि एक राष्ट्र की भूमि हो जाती है भारत माता का रूप ले लेती है और उस भारत माता के इर्द गिर्द राष्ट्र को देखने की राष्ट्र को दे आ, पूजने की जो दृष्टि है वह स्वरूपित होने लगती है यह किसी चिंतक की लेखनी का उसके इतिहास डिस्ट्रिक्ट के की शक्ति का प्रमाण है शुक्रिया